सहारनपुर के एसएसपी विपिन ताड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए आज बताया है कि हाजी इकबाल यानी कि खनन माफिया हाजी इकबाल की करीब 203 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की जाएगी और उसके बाद करीब 150 स्थानों पर उसको चिन्हित किया गया है जहां पर हाजी इकबाल की ये संपत्तियां हैं। इन सब पर कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा करीब 3 बजे से आज शुरू की जाएगी। इन संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा जो हाजी इकबाल के द्वारा अवैध रूप से खनन के स्रोत से अर्जित की गई थी। ये तमाम संपत्ति आज कुर्क होने जा रही है और संभवतः ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है इसके बाद बाबा के बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई भी हाजी इकबाल की संपत्ति पर हो सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज 24 सहारनपुर। ये जनपद सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजा जिसको कि आदेश हुआ है जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाजार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में जिनका कि चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसमें आगे और भी जो इनके साथी हैं व अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जाँच की जा रही है और आने वाले समय में इस प्रकार अवैध संपत्ति से अर्जित अवैध धन से अर्जित जितनी भी संपत्तियां हैं उनका जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल हो कि उन पर 50,000 का इनाम बढ़ा दिया गया है यानी कि पहले 25,000 था 50,000 किया गया। जी हाजी इकबाल और उनके साथी जो हैं फरार हैं कई मुकदमों में और माननीय न्यायालय से हमको उनके मफरूरी का आदेश भी मिला है जो कि मफरूर घोषित हुए हैं एक दुष्कर्म के मामले में और साथ ही इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कई टीमें लगी हैं, हमें उम्मीद है शीघ्र ही इसमें कामयाबी मिलेगी और तब तक के लिए पुलिस ने इनके जितने भी अवैध धन से अर्जित संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया है जिसका कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनका जब्तीकरण करवाया जा रहा है और आगे और संपत्तियां जो भी सामने आ रही है पुलिस जाँच में उसमें भी रिपोर्ट तैयार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।